पहली बार पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। पाकिस्तान ने वहां दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बैंक खाते सील करने का आदेश दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें प्रतिबंधित किए गए 88 आतंकवादी संगठनों और आतंकियों के नाम शामिल है, जिसमें दाऊद के नाम का भी जिक्र है। FTF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। अभी पाकिस्तान FTF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। बताया जाता है कि दाऊद के पास 14 पासपोर्ट हैं। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब दाऊद की आवाज़ के आधार पर हिंदुस्तान की एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची थी कि दाऊद कराची में ही है और वहीं से दुनिया भर में अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। दाऊद इब्राहिम कास्कर ही डी कंपनी का सरगना है। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर एक दाऊद 1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी भी है। जी हाँ, उस दाऊद इब्राहिम को पिछले 23 सालों से हिंदुस्तानी सरकार और पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां अब दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज़ तक हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, दाऊद का पीछा कर रही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियाँ पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं जिससे वो अब तक से भर से छिपाता रहा है।